Welcome back to my channel. My name is Shobha. In today's video, I am going to tell you how to make a DIY home remedy to treat a small bumps on your face. And yes, stay tuned and watch my full video to know how I make this homemade remedy. And yes, if you are new to my channel, please consider subscribing and also press that bell icon next to it so that you will never miss any of my videos. And yes. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली रिलेटेड टू उन लोगों के लिए जिन लोगों के फेस पे मीन्स हो सकता है डस्ट पॉल्यूशन या वेदर के कारण भी छोटे छोटे बम्प हो जाते हैं इट मीन्स छोटे छोटे दाने हो जाते हैं फेस पे एज यू कैन सी मेरे फेस पे भी है तो मैं अपने फेस पे एक डीआईवाई आज अप्लाई करने जा रही थी तो आई विश कि मैं क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ सो so देट और किसी को ये वाली अगर प्रॉब्लम हो रही होगी वो फेस कर रहे होंगे तो वो भी ये वाला होम रेमेडी अप्लाई करके अपने छोटे छोटे जो फेस पे दाने हो जाते हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं एंड ये yes, वीडियो पे बने रहिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा सारे स्टेप्स देखिएगा आप लोग तो ये डीआईवाई जितना ही बोलते हैं ना कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करी हूँ उसको बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से स्किन टाइप वाले उसमें क्या मिक्स करके उस वाले डीआईवाई को बनाएंगे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है तो वीडियो पे बने रहिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चलिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग को शो कर दूसरी इसके लिए क्या क्या चीजें मोस्ट प्रॉब्ली चाहिए आपको एंड उसके बाद में इसको आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी फेस पैक को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए बेसन मीन्स ग्राम फ्लोर एंड मुल्तानी मिट्टी वाइल्ड टर्मरिक एंड ऑरेंज पील पाउडर तो मैं इन सबको एक बाउल में ले चुकी हूँ एंड चलिए अब इसको मैं प्रिपेयर करती हूँ इसके लिए मैं एक खाली बाउल लूँगी एंड आफ्टर दैट आप क्या करें बेसन के टू टेबल स्पून लें आपके घर पे जो भी टेबल स्पून हो आपको जितने क्वांटिटी में चाहिए वैसे करके मेज़र करके आप टू टेबल स्पून बेसन का लें टू टेबल स्पून आप मुल्तानी मिट्टी ऐड करें उसी में एंड उसके बाद टू टेबल स्पून ऑफ ऑरेंज पील पाउडर है उसको भी आप उसमें ऐड करें एंड वन टेबल स्पून ऑफ़ आपको टर्मरिक वाइल्ड टर्मरिक जो है उसको ऐड करना है इसमें ये वाइल्ड टर्मरिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है किचन वाले टर्मरिक से तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा एंड उसके बाद आप इसको अच्छे से ऐसे करके मिक्स कर ले बिल्कुल ड्राई ड्राई जब ये रहता भी तो देख सकते हो जैसे मैंने आप लोग को सारे इन्ग्रीडियंट शो किए थे मैं उनको बना के ऐसे एक जार में रख लेती हूँ आप देख रहे हो ये एक आप बोलते हैं ना एयर टाइट जार में ऐसे करके इसको रख सकते हो स्टोर करके सो so दैट आपको जब भी नीड हो आपको अप्लाई करनी है या आपको लग रहा हो आपके फेस पे छोटे छोटे ऐसे आपको भी दिख रहा होगा छोटे छोटे बम्स हो जाए तो आप उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन में एड कर लीजिए एंड उसको आप अप्लाई करो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है सम टाइम होता क्या है कि डस्ट पॉल्यूशन या ह्यूमिडिटी के कारण सम टाइम पोर्स में चले जाते हैं डस्ट तो आपको ऐसे छोटे छोटे बम्स आपको फेस पे दिखेंगे या समटाइम जिनकी स्किन ऑयली हो तो ऑयल के कारण भी हो जाती है इवन हो जाता है ऐसा नहीं बोलूँगी किन्नी की स्किन ड्राई है ऑयली है तो उनको ये ही ये इश्यू फेस करनी पड़ती है आई थिंक हर लड़की को एक ना एक बार ये इश्यू फेस करनी पड़ती है कि छोटे छोटे बम्प हो जाते हैं आपको फेस पे सो so, ये वाला होम रेमेडी आप लोग ट्राई कीजिए जरूर बेनिफिट मिलेगा एंड ट्राई करके कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोग को वाकई बेनिफिट मिला या नहीं मिला तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ एंड चलिए अब बात करते हैं कि ये जो रेमेडीज सबका मिक्सचर मैंने रेडी किया अब इसमें आपको क्या चीज ऐसा मिक्स करके डिफरेंट स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको इसको पेस्ट बनाना है एंड जिनकी भी कॉम्बिनेशन स्किन हो जैसे कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं इसमें रॉ मिल्क एड करके इसका पेस्ट प्रिपेयर करूंगी एंड जिनकी भी ड्राई स्किन हो वो लोग इसमें हनी आइदर आप कड़ मिक्स कर सकते हो अगर आप चाहो तो दोनों ही मिक्स कर सकते हो बिकॉज ये आपके स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करेगा एंड थोड़ी जो ड्राइनेस है आपके फेस पे वो भी खत्म करेगा एंड जिनकी भी स्किन टोन ऑयली हो या एथनी प्रोन हो वो लोग इसमें पेस्ट बनाने के लिए रोज वाटर का यूज करें सो so डेट आपको इसका बेनिफिट ज्यादा अच्छा मिलेगा एंड जिनकी भी सेंसेटिव स्किन हो वो लोग लो नॉर्मल वाटर इसमें यूज करें एंड सेंसिटिव स्किन वाले ओनली वाटर यूज करें इसका पेस्ट प्रिपेयर करने के लिए तो चलिए अब मैं इसका पेस्ट प्रिपेयर करती हूँ आप देख सकते हो ये ऐसे जार में है जब भी आप इसको यूज के लिए लाओ या यूज करो सो so देट आप इसको एक बार शेक कर ले जो भी चीजें इसमें है वो अच्छे से मिक्स हो जाए एंड यस yes, आप एक ड्राई स्पून ले सकते हैं आराम से मैं ये देख सकते हो एक ये उडन स्पून है इससे वन स्पून लूंगी एंड उसको दूसरे बाउल में डालूंगी राइट आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो वन स्पून टू स्पून तो आप देख सकते हो आई थिंक वन स्पून इज सफिशियट फॉर माई फेस ओनली एंड इसके बाद मैं इसमें क्या करूंगी ये देख सकते हो ये रॉ मिल्क मैंने लिया है ये मैं पेस्ट बनाने के लिए उसको यूज करू जितना मुझे नेसेसरी होगा इसको एज अ पेस्ट के रूप में तैयार करने के लिए मैं उतना इसमें रॉ मिल्क एड करूंगी आई थिंक इसमें थोड़ा सा और चाहिए तो मैं क्या करूंगी थोड़ा और इसमें रॉ मिल्क को एड करूंगी आपके किचन में बहुत ही आसानी से रॉ मिल्क अवेलेबल हो जाएगा तो देख सकते हैं आप लोग ये पेस्ट प्रिपेयर हो गया आपको ऐसे करना बहुत ज्यादा लिक्विडी फोम नहीं रखना है थोड़ा सा ऐसे ही करके इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है एंड नाउ चलिए आप इसको विद द हेल्प ऑफ ब्रश भी अप्लाई कर सकते हो एंड चाहो तो फिंगर टिप के हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो तो मैं फिंगर टिप के हेल्प से इसको ओवरऑल पूरे फेस पे पहले तो अप्लाई कर लूंगी तो इस फेस पैक में मैंने जो जो भी चीजें इंक्लूड की है चलिए अब एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि बेसन है बेसन ही काफी अच्छा होता है हमारे फेस के लिए स्किन के लिए ये स्टैन रिमूव करने के साथ साथ स्किन को लाइटनिंग भी करता है एंड अगर फेस पे आपके ऑयल हो तो उसको भी रिड्यूस करता है साथ साथ में ये एक एंटी पिंपल भी माना जाता है तो आपके फेस पे अगर पिंपल्स वगैरह हो रहे हो तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा आप इसको एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हैं एंड साथ साथ में आपके फेशियल हेयर्स को भी रिमूव करने में काफी ज्यादा कारगर पाया जाता है बेसन को एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते कभी कभार आप उससे फेस वॉश भी कर लिया कीजिए बेटर होएगा तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये पूरे पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया ना वो आपको क्या करना है कि हल्के हाथों से रब करना है ऐसे जेंटली मसाज करना है दो से चार मिनट के लिए मैंने जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है वो है मुल्तानी मिट्टी जो कि आपके फेस पे जो भी एक्ने पिंपल्स होते हैं उससे फाइट करने में काफी ही कारगर माना जाता है के बाद मैंने इसमें वाइल्ड टर्मरिक ऐड किया है जो कि आपके स्किन के जो भी कम्पलेक्शन होते हैं टेक्सचर होते हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है ऑरेंज पील वो आपके स्किन को क्लीन करेगा ग्लो प्रोवाइड करेगा उसमें विटामिन सी पाया जाता है इसलिए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसे दो से चार मिनट के लिए मसाज कर लिया है एंड चलिए अब मैं इसको दस मिनट के लिए अपने फेस पे छोड़ देती हूँ ड्राई होने के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये ड्राई हो चुका है एंड चलिए आफ्टर डैट मैं इसको नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लूंगी एंड आप देख सकते हो मैंने इसको वॉश कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टॉवल मैं इसको पैड ड्राई कर लूंगी अच्छे से एंड आप देख सकते हो पैड ड्राई करने के बाद मेरे फेस पे थोड़ा ग्लो भी लग रहा है शाइन भी लग रहा है साथ साथ में थोड़े से जो रेडनेस हो गए थे बम्प के एज यू कैन सी दिख रहे थे पहले वो अभी थोड़ा सा हाइट दिख रहा है आई होप आप लोगों को ये वाला फेस पैक जो मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक like जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स